गाइस कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू पॉल गेमिंग चैनल। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड वर्जन। तो गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने फाइनली स्नॉरलैक्स को पकड़ लिया था, एंड उसके बाद जो रूट 16 था वहाँ से हम लोगों को फ्लाई एचएम मिल चुका था, जिसकी वजह से अभी हमारा काम और ईजी होने वाला है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले एक लौते सिटी पे, जहाँ पे अब तक हम लोग नहीं गए हैं, जो कि है गाइस सैफरन सिटी पे। तो बिना देर के सीधा सैफरन सिटी पे चलते हैं, एंड सैफरन सिटी के जाने का रास्ता यहीं से है हम लोग का नाम से। ओके, मैंने अभी तक इन लोगों को टी दिया ही नहीं था, मैं भूल ही गया। ओके ओके ओके, तो अभी हम लोग कहीं से भी जा सकते हैं सैफरन सिटी में, एंड फाइनली अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं सैफरन सिटी में। गाइज ये देखो, ओ भाई साहब, व्हाट, यहाँ पे भी टीम रॉकेट्स क्या कर रहे हैं? वेट अ सेकंड, व्हाट, कुछ तो गड़बड़ है गाइस यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, कुछ बहुत बड़ा ऑफिस टाइप लग रहा है, सिल्फ ऑफिस भी। तो गाइस आप लोगों का अगर याद नहीं होगा तो वो जो सिल्फ स्कोप था, जिससे हम लोग भूतों को देख सकते थे, लाइक घोस्ट को, जो लैवेंडर टाउन के टावर में थे, वो इसी कंपनी ने बनाया है, सिल्फ कंपनी। एंड ये जस्ट देखो आप एक बार, कितना लंबा बिल्डिंग है गाइस, एंड जिम का दरवाज़ा भी ये गार्ड कर रहा है। वेट गाइस यार, ये कुछ तो अलग ही सीन चल रहा है, फाइटिंग डोजो। ओके, तो ये कंपनी आप लोग एक बार देखो ये बिल्डिंग, एंड इस घर को भी ये बंदा किस लिए प्रोटेक्ट कर रहा है? इस घर में भी कुछ तो है, एंड कोई भी मुझे कुछ क्लू सू तो नहीं दे रहा है यार। आई गेस कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है गाइस सैफरन सिटी में भी। लाइक एक बार मैं जो कंपनी के बाहर, जो बिल्डिंग के बाहर जो बंदा खड़ा है, उससे एक बार बात करके देखता हूँ, आई गेस ये कुछ बता सकता है। व्हाट, कुछ भी मतलब कह रहे हैं ये लोग यार, क्या चालू है गाइस यार यहाँ पे, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एक काम करते हैं, जिम के बाहर ये जो बिल्डिंग है ना, इसमें एक बार ये एंटर करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे भी फाइटर्स है, तो मुझे अभी इनसे फाइट करना ही पड़ेगा। तो मुझे 2 मिनट देना, मैं एक बार इनसे फाइट करता हूँ, एंड फिर आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट में। गाइस यार मैंने अभी यहाँ पे सभी के सभी ट्रेनर्स को हरा दिया, एंड ये देखो इस वाले ट्रेनर के पीछे यहाँ पे 2 पोकेबॉल रखे हुए थे। तो चलो, ओ यू वांट द हार्ड किकिंग हिटमॉनली, ओके हम लोग फ्री में कुछ पोकेमॉन ले सकते हैं, पिस्टन पंचिंग हिटमॉन चैन। तो कौन सा ज़्यादा बेटर है? एक्चुअली मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है गाइस हिटमॉनली, तो मैं हिटमॉनली को ही लेना चाहूँगा, हार्ड किकिंग हिटमॉनली। भाई साहब फ्री में गाइज हम लोग को एक और पोकेमॉन मिल चुका है, एंड एक और पोकेमॉन अपने टीम में शामिल हो चुका है, हिटमॉनली। बेटर नॉट गेट ग्रीडी। ओके, मैं सोचा था कि अगर हिटमॉन चैन भी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट ठीक है गाइज अभी कोई नहीं, एटलीस्ट एक पोकेमॉन तो हम लोग को मिल चुका है फ्री में, हिटमॉनली एंड हिटमॉन चैन, तो अभी उसका भी सही है। अभी मुझे पोकेमॉन सेंटर पर जाना है अपने 4000 का HP पूरी तरीके से हील करने के लिए, क्योंकि गाइज यार मैं अभी गारंटी दे रहा हूँ कि अभी हम लोग का बहुत ही बड़ा एक और फाइट होने वाला है टीम रॉकेट के साथ। क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है गाइस कि इस कंपनी के अंदर, जो सिल्फ कंपनी है, उसके अंदर ही कुछ तो बहुत ज़्यादा अभी ख़तरनाक चीज़ चल रही है, जिसको अभी हम लोगों को रोकना पड़ेगा जाके। तो देर किस बात की गाइस, अभी जाने वाले हम लोग फिर से उस, मतलब कि फिर से नहीं, उस कंपनी के एक बार अंदर जाके चेकआउट करते हैं कि क्या दिक्कतें चल रही है टीम रॉकेट्स का। ओके लेट्स गो अंदर। ओके सेल्फ कंपनी फर्स्ट फ्लोर में आप लोग, कोई है ही नहीं यार यहाँ पे, ये क्या चीज़ है भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पे, शायद से सभी अभी टीम रॉकेट की वजह से भाग चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर। ओके मैं स्टेयर से भी जा सकता हूँ, लिफ्ट से भी जा सकता हूँ, सबसे पहले एक बार स्टेयर से जाके देखते हैं। ओके ये मैं आ चुका हूँ सेकेंड फ्लोर पे, एंड कोई भी, ये क्या चीज़ है गाइस, ओ व्हाट, मैं सीधा 12 सेकेंड फ्लोर से 8th फ्लोर पे टेलीपोर्ट हो गया, ये क्या चीज़ है गाइस, मुझे 2 मिनट देना, मैं एक बार इसके बारे में पता करके आता हूँ यार। ओके टीम रॉकेट का मेंबर भी है ये, मुझे बहुत ही एक्साइटिंग कुछ तो लगे गाइस, मुझे 2 मिनट देना, मैं एक बार इसको पता करके आता हूँ कि ये आखिर है क्या।
यार ये मुझे एक्चुअली पता चल चुका है, ये एक्चुअली एक चीज़ है जो कि हम लोग को टेलीपोर्ट कर देता है इन फ्यूचर में। हम लोगों का कुछ ऐसा होने वाला है कि कुछ रास्ते बंद होने वाले हैं जहाँ पे हम लोग बस इस टेलीपोर्टर मशीन की मदद से जा पाएंगे, तो इसीलिए ये है। तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन से फ्लोर से क्या करना है मुझे, मैं बस एक्चुअली इसके बारे में पता करके आया एंड अपना पहला फाइट यार। तो कैसे यार आज के इस वीडियो को मैं बस यही पे एंड करने वाला हूँ, क्योंकि अगले एपिसोड में बहुत ही बड़ा फाइट होने वाला है एंड अगले एपिसोड में बहुत मेहनत भी लगने वाली है, मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ गाइस। इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है एक्चुअली, हाँ मुझे पता है, बस रेफरेंस सिटी में दो कदम आगे बढ़ के एंटर हो गया एंड उससे फाइट लेके एक हिटमॉनली रिसीव किया। बट अभी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें मैं सैफरन सिटी के जो कंपनी है इसको पूरी तरीके से खाली करने वाला हूँ, टीम रॉकेट जितने भी एक एक मेंबर को मैं फोड़ डालने वाला हूँ अभी गाइस, टेंशन मत लेना। एंड उसके बाद मैं जाने वाला हूँ गाइस सैफरन सिटी का जिम बैटल को भी करने के लिए, क्योंकि गाइस यार मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ गाइस इतने बड़े कंपनी को हथियाने के लिए जियोवानी यहाँ पे गारंटी होने वाला है एंड अपना जियोवानी के साथ सेकंड बैटल भी होने वाला है गाइस। तो जी हाँ अभी यही है एक और फाइट अपना, बहुत बड़ा फाइट होने वाला है ये जियोवानी के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि जियोवानी अभी पहले की तरह कमज़ोर नहीं होगा, जियोवानी अभी बहुत खतरनाक होने वाला है। अगले एपिसोड में हम लोग एक एक बंदे को ख़त्म करने वाले हैं इस कंपनी के एंड फिर हम लोग देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ओके सबसे पहले तो मैं एक बार ही इसको हरा देता हूँ, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखने वाला हूँ मैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद होगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।